राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते अवघ्या 3 दिवसात युद्धासाठी सज्ज होतील हे वक्तव्य केलंय सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी, आणि त्यावरून पुन्हा एकदा राजकारण रंगलंय. मिलिट्री जैसी डिसिप्लिन हमारी है और अगर देश को जरूरत पड़े और देश का संविधान कानून कहे तो सेना तैयार करने को 6-7 महीना लग जाएगा. संघ के स्वयंसेवकों को लेके 3 दिन में तैयार. सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या याच वक्तव्यावरून वादाची ठिणगी पेटली आहे. बिहारच्या मुझफ्फरपूरमध्ये संघाच्या शिबिरात बोलताना त्यांनी हा बॉम्ब टाकला. भारतीय लष्कराच्या जवानांपेक्षा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांना युद्धाच्या तयारीसाठी कमी वेळ लागेल असे संकेत त्यांनी दिलेत. दरम्यान भागवत यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास करण्यात आल्याचा दावा आरएसएसनं केलाय. तर सरसंघचालकांच्या या वक्तव्यावर सत्ताधारी भाजपनं आळीमळी गुपचिळी साधली आहे. मैंने इसको सिर्फ SMS और सोशल मीडिया में ही देखा है. इसकी डिटेल भागवत जी क्या बोले मेरे पास रिपोर्ट नहीं है. जब मिलेगी तभी इस पर टिप्पणी कर सकते. अर्थातच या निमित्तानं काँग्रेसनं भागवतांच्या वक्तव्यावर जोरदार टीकास्त्र सोडलंय. जो मोहन भागवत जी का बयान है ये बिल्कुल गलत है और मुझे ये सुनकर काफी दुख हुआ कि जो हमारे जवान अपना खून देते हैं, बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, काम करते हैं, जिंदगी देते हैं अपनी, इस प्रकार से मोहन भागवत जी ने इनके बारे में बोला है ये बिल्कुल गलत है. और मोहन भागवत जी को अपोलोजाइज करना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि उन्होंने गलती की है. और जो हमारे सिर्फ जवान नहीं, चाहे वो पैरामिलिट्री के हों, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे वो एयरफोर्स के हों, चाहे वो नेवी के हों, जो भी इस देश की रक्षा करते हैं उनके बारे में बिल्कुल गलत बोला है मोहन भागवत जी ने, अपोलोजाइज करना चाहिए. भागवतांना असं वक्तव्य करून नेमकं काय साधायचं होतं हे माहित नाही, पण या निमित्तानं पुन्हा एकदा वादाची ठिणगी पेटली एवढं नक्की. ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया. फ्री 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.